नमस्कार, बलिया लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय बिहारी सिंह जी, जो फिलहाल बलिया में है, वैसे तो वो कोलकाता में रहते हैं। उनसे हम बात करेंगे। आज मंगल पांडे का बलिदान दिवस है। वो पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, और जिसको लेकर उनके योगदान, उनके बलिदान को लेकर हम आज विनय बिहारी जी से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। स्वागत है जी। ये बहुत अच्छा लगा कि राष्ट्रीय नेताओं ने मंगल पांडे के बारे में ट्वीट किया है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ एक मंगल पांडे, बलिया शहर में एक मंगल पांडे के नाम पर बहुत अच्छा सा भवन बनना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये पता लगे कि उनमें कितनी सकारात्मक, कितना सकारात्मक जुनून था, और उन्होंने सिर्फ अपने करियर के बारे में नहीं, बल्कि देश और अपने अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में क्या सोचा। तो उनके बारे में जितनी भी सामग्री है वो आने वाली पीढ़ियों को मिले, इसके लिए यहाँ एक संग्रहालय की बहुत ज़रूरत है, एक तो बलिया शहर में। दूसरी बात यह है कि मंगल पांडे के नाम पर कुछ एक कार्यक्रम ऐसा यहाँ एक सरकार की तरफ से, मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करूँगा और राज्य सरकार से भी आग्रह करूँगा कि एक ऐसे महान राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिससे कि आने वाली तमाम पीढ़ियाँ प्रेरणा लेंगी और उनमें एक नई ऊर्जा पैदा होगी, ऐसे मंगल पांडे को लेकर के एक योजना शुरू करे, ताकि मंगल पांडे की जो योगदान है वो इन चीजों से तो पूरा नहीं हो सकता, पर हाँ इसके सहारे हम एक खुशी महसूस कर सकते हैं, एक आनंद महसूस कर सकते हैं कि मंगल पांडे के नाम पर ये शुरू हुआ है। रिया में जी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने ऐसा क्या किया है जिससे कि वहाँ के लोगों को लगे कि सरकारों ने कुछ मंगल पांडे के साथ जस्टिफाई किया है। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा और राज्य सरकार से भी आग्रह करूंगा कि यह जो औपचारिक स्मरण दिवस है, इनसे आगे बढ़ के, जो औपचारिकताएं हैं उनसे आगे बढ़ के बलिया में एक कुछ ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जो लोगों को याद दिलाए कि आज भी राष्ट्रीय मूल्यों के लिए कितना जागरूक और कितना सतर्क होना जरूरी है। क्योंकि मंगल पांडे ने एक तरह से मनुष्य के जीवन मूल्यों को दोबारा परिभाषित किया और रेखांकित किया, तो वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने, और ये हमें गर्व है कि हमारे बलिया के वो थे, और हमारे बलिया में ही उनके नाम पर कोई भवन, कोई एक जो अस्थाई चीज है वो नहीं हो पाई है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा औपचारिक स्मरण दिवसों के अलावा भी एक चीज होनी चाहिए, और ये मैं आपसे सहमत हूँ कि औपचारिकताओं से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उनका ऐसा क्या योगदान हो सकता है आज की नई पीढ़ी में, आज की नई जनरेशन में? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। मंगल पांडे ऐसे थे कि उनके मन में सिर्फ अपना नहीं, मैं सिर्फ नहीं था, उनके भीतर हम यानी समग्र देश और समग्र देश की युवा पीढ़ी थी। मंगल पांडे उस समय युवा थे और उनके मन में अगर ये रहता तो चुपचाप नौकरी करते, रिटायर होते, पेंशन ले लेते, लेकिन उनके मन में ये नहीं था, मैं और मेरा करियर नहीं था, समग्र देश और देश की युवा पीढ़ी थी। और मैंने तो उन पुराने लोगों के संस्मरण पढ़े हैं, उन्होंने लिखा कि उस विद्रोह के बाद सारे सिपाही मंगल पांडे, जो ऐसा
जैसा सकारात्मक कदम उठाता था उसको मंगल पांडे के नाम से किया गया। मंगल पांडे एक राष्ट्रीय नाम बन गए, यानी एक सिपाही कहा जाता है अरे ये मंगल पांडे है, यानी मंगल पांडे का नाम एक सकारात्मक रचनात्मक कार्य के लिए प्रतीक बन गया था। और वो सिर्फ बलिया का नहीं पूरे राष्ट्र का प्रतीक। तो आपने जो सवाल की आज की नई पीढ़ी के क्या उससे ले सकती है, तो मेरा ये कहना है कि आज जो व्हाट्सएप और इंटरनेट में खोए हुए युवा पीढ़ी के का एक एक अंश जो है खोया हुआ है, तो व्हाट्सएप और इंटरनेट हमें बाजार उपलब्ध करा रहा है, न कि मानवीय मूल्य और राष्ट्रीय मूल्य। तो हमें मंगल पांडे के नाम से, मैं जो युवा पीढ़ी के जो जो सकारात्मक सोच वाले लोग हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप व्हाट्सएप करें, इंटरनेट करें, लेकिन उसमें मंगल पांडे के नाम पर कुछ हो और उनके नाम से कुछ रचनात्मक सकारात्मक व्हाट्सएप ग्रुप चले, इंटरनेट ग्रुप चले और कुछ सकारात्मक सोच सामने आए और ये मानवीय मूल्य जो मंगल पांडे ने स्थापित किए वो सामने आए, जो राष्ट्रीय मूल्य स्थापित किए वो सामने आए, तो ठीक है, व्हाट्सएप और इंटरनेट बुरा नहीं है, वो रचनात्मकता को भी ये बढ़ावा देता है, लेकिन मंगल पांडे को भी उससे कनेक्ट किया जाए और उनके जीवन मूल्यों को सामने रखा जाए। बलिया बलिया जैसे जैसे एक जिले ने बड़े राष्ट्रीय नेता दिए हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी वहां से आए हैं। बिल्कुल, ये तो सच है। फिर ऐसी क्या वजह रही कि मंगल पांडे के बारे में उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था, या बलिया के बारे में ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बड़े बड़े नेता हुए और आज भी बहुत अच्छे नेता सामने हैं, लेकिन उन्होंने मंगल पांडे की तरफ नहीं ध्यान दिया। तो ये जो करेंट जो सिचुएशन है इससे आगे बढ़ के एक सोच की आवश्यकता है, और अगर आज जो जागरूकता दिख रही है मंगल पांडे की चेतना और उनकी रचनात्मकता को लेकर, वो उसका एहसास कराया जाना चाहिए और नेताओं को भी उस कार्यक्रम में बुलाया जाना चाहिए और उन्हें लगे, क्योंकि अब तो एमपी फंड भी है, विधायक फंड भी है, तो बहुत कुछ काम हो सकता है, तो उन्हें सिर्फ ये महसूस कराने की जरूरत है कि थोड़ा सा एक ऐसे हमारे राष्ट्रीय गर्व, मंगल पांडे जैसे राष्ट्रीय गर्व को लेकर भी एक कार्यक्रम, एक भवन बनाया जाना चाहिए, उनको लेकर के कई काम हो सकते हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, उन्हें याद दिलाना, हमारे नेताओं को भी ये उस कार्यक्रम में बुलाया जाए, उन्हें महसूस कराया जाए, तो निश्चित वो करेंगे, मुझे लगता है कि नेताओं को अच्छा भी लगेगा। जी, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे अभी बलिया में स्थानीय स्तर पर लोगों में चेतना जागृत हुई, मंगल पांडे जी को लेकर लोग सक्रिय हुए हैं? हाँ बिल्कुल, ये युवा पीढ़ी का एक तबका है जो मंगल पांडे को भुला नहीं सकता है, और मंगल पांडे पर कुछ भी होता है तो उसके मन में ललक होती है। आज बलिया में ऐसे युवक हैं और वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार आ गया है, कि राज्य सरकार आ गया है, हमारे नेता जो गणमान्य नेता है वो आ गया है, और मंगल पांडे को लेकर के एक अस्थाई यहाँ एक कुछ काम हो, एक भवन ही बने कुछ हो, ताकि उनकी स्मृतियों को और भी आगे ले जाने में मदद मिले, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है वो भी विस्तार से जाने और उन पर बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री भी बने। और मुझे लगता है यहाँ एक रंगकर्मी है आशीष त्रिवेदी, उन्होंने एक पहल की थी, लेकिन उनकी पहल क्या है अभी मैं बहुत दिन बाद बलिया आया हूँ, उनसे मिलने वाला हूँ, तो उनसे इस पर भी बातचीत होगी। पहले 2005 में भी आई थी मंगल पांडे पर, राइजिंग। जी, तो उसके बाद बॉलीवुड के लोगों ने क्या ऐसा कुछ किया वहाँ पे, या कभी देखने को मिला
या सिर्फ फिल्म बनाया और सब बनाया कुछ और खत्म हो गया, खत्म हो गया। नहीं, वो फिल्म चूंकि व्यावसायिक फिल्म थी, इसलिए वो उसका जो व्यावसायिक, एक फिल्म की जो व्यावसायिक व्यावसायिक उम्र होती है, हर फिल्म की एक व्यावसायिक उम्र होती है, तो उस वो उस हिसाब से बनी थी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ और मेरी ये कल्पना रहती है कि मंगल पांडे को लेकर के और उनकी जो एक बिल्कुल न चूकने वाली ऊर्जा और सकारात्मकता, इस पर एक केंद्रित करके एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। और उसमें बलिया के जो जो इस दिशा में काम करने वाले हैं लोग हैं, उनको जोड़ करके और एक ऐसी रचनात्मक डॉक्यूमेंट्री बने जो देश विदेश के लिए एक उदाहरण हो। तो ऐसा इसमें 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 बलिया में भी फिल्मकार हैं, बलिया फिल्मी दुनिया में बलिया के लोग भी हैं और सकते हैं, तो सबको एक जोड़ करके, सारे रचनात्मक और क्रिएटिव लोगों को जोड़ करके मंगल पांडे पर एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जा सकती है और उसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि जिन युवकों में चेतना है वो अभी बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जो युवक नहीं इस कार्यक्रम से जुड़े हैं या मंगल पांडे की से प्रेरणा नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनका उनका झुकाव कहीं और है, वो भी जुड़ेंगे, क्योंकि उनमें जो जीवटता थी, जो ऊर्जा थी, जो न चूकने वाली ऊर्जा, वो किसी भी युवक को खींच कर मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह खींचेगी, तो इससे तो फायदा होगा ही। मंगल पांडे जी की शहादत को जिस मायने में मनाया जाना चाहिए या उनको याद रखा जाना चाहिए देश में, ना केवल बलिया में या प्रदेश में, ऐसी क्या बातें हो सकती है, वो थोड़ा सा आप बताएं। जी, एक तो मंगल पांडे के नाम पर एक ऐसी एक संस्था बने, और है भी संस्था है भी, तो अगर है तो उसको सक्रिय किया जाए, अगर नहीं है तो एक बनाई जाए और उसको लेकर के जन सेवा, क्योंकि मंगल पांडे का क्या उद्देश्य क्या था, लोग आजाद हों, आजादी मिले, आजादी आजाद जीवन जिए। लेकिन आज की तारीख में हम बाजारवादी युग में जी रहे हैं, पीने का पानी तक बिक रहा है, हैं? और जो कि हमें फ्री में मिलना चाहिए। दूसरा ये है कि शिक्षा महंगी हो गई है, तो ये तो मंगल पांडे का सपना नहीं रहा होगा या किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का सपना नहीं रहा होगा। तो मेरा ये सुझाव है कि जन सेवा की जाए और उसके बहाने सबको याद दिलाया जाए। वर्तमान समय में जिस तरह का माहौल चल रहा है, सोशल मीडिया है, और मैंने मैंने देखा उत्तर प्रदेश में और देश में भी बहुत सारे पत्रकारों को गिरफ्तार भी किया गया पिछले दिनों। ये थोड़ा अलग प्रश्न है, आज के संदर्भ से थोड़ा अलग हटके। आप कैसा देखते हैं आज के माहौल में, कैसी आजादी है लोगों को? हाँ, ये एक आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि पत्रकार जो है, देखिए पत्रकार जब तक काम करता है तब तक वो दिखता है, लेकिन पत्रकार जब काम खत्म हो जाता है उसका या रिटायर हो जाता है, तो मैं एक पत्रकार हूँ जो एक इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप से मैं रिटायर हुआ, उसके बाद पत्रकार को जो पेंशन मिलती है वो इतनी कम होती है कि उससे वो अपने घर का खर्च भी नहीं चला पाता। तो ये एक, तब भी वो जीवन मूल्यों के लिए, आम आदमी के लिए लड़ता रहता है। और अगर एक सच्चे पत्रकार को सरकार की मदद न मिले, सरकार उसको उसकी रक्षा न करे, तो ये एक दिक्कत वाली बात हो जाती है। और जहां तक गिरफ्तारी की बात आपने कही, तो जेन्युइन पत्रकार को तो गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, ये अगर होता है तो इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है
क्योंकि जो आदमी, जो पत्रकार आम आदमी के हित में काम कर रहा है, जो अखबार आम आदमी के हित में काम कर रहा है, तो उसके पत्रकार की रक्षा होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई अखबार आम आदमी के अलावे अपने हितों के लिए काम कर रहा है, तब उस पर सोचने की जरूरत है। क्योंकि अखबार अगर आम आदमी के लिए खड़ा है, आम आदमी के हितों के लिए लड़ रहा है, आम आदमी की जरूरतों के लिए लड़ रहा है, तब तो उसका पत्रकार और उसका वो अखबार सलाम करने लायक है, प्रणाम करने लायक है। लेकिन अगर वो अखबार अपने हित के लिए लड़ रहा है, अपने मूल्यों के लिए लड़ रहा है, तो उस पर सोचने की आवश्यकता है। ये भी एक सवाल उठता है और ये भी एक स्थिति बन रही है। तो जो अखबार आम आदमी के हितों के लिए लड़ रहे हैं, उन पत्रकारों की रक्षा होनी चाहिए। जी सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिया और बड़े सही सही और क्या कहें कि आपने अपने अनुभव कहें कि आपने अपने अनुभव शेयर किया, आपकी आज के टाइम में बहुत जरूरत है, आज के टाइम में बहुत जरूरत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।